न संतान के सुख से वंचित है। अब बहने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821004016 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से। प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर का चुनावी महादंगल के यह मतदान भा। यह मतदान में एक बड़ी खबर सामने आई जोने में मतदान करत के जो है वीडियो रिकॉर्ड की इनका वीडियो शूट की इनका वह शिकायत है चुनाव आयोग में। अब 21 नवंबर का जो है फिर से हुई मतदान विधि क्षेत्र के। ये पहली बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां प्रपंचक बताया दी कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश में के भिंड जिला के अटेर विधानसभा में एक बूथ पर 21 नवंबर का पुनर्मतदान के आदेश दिन का है। चुनाव आयोग के अनुसार गोपनीयता भंग होने के कारण पुनर्मतदान के आदेश दिन का है। कहे कि कुछ लोगों के द्वारा किसु पूरा में संबंधित बूथ पर 17 नवंबर का मतदान के वीडियो शूट किएगा। किसपुरा में मतदान केंद्र संख्या 71 के तहत बूथ संख्या 3 पर सुबह 7 बजे से 6 बजे के बीच मतदान हुई। उनके द्वारा बतावा गया कि मतदाता के मध्यमा उंगली पर अमिट स्याही लगाई गई। चुनाव आयोग द्वारा पुनर्मतदान के आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी का जारी कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर और रिटर्निंग अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया गोपनीयता भंग करे के आरोप में मतदान दल के 4 सदस्यों का निलंबित कर दिया गया है। उनके द्वारा कहा गया कि पुनर्मतदान में दौरान मतदाता का मोबाइल फोन के साथ बूथ में प्रवेश करे की अनुमति नहीं न दी गई। आदर्श आचार संहिता के संबंधित अन्य नियमन के पालन कीजिए। उनके द्वारा कहा गया पुनर्मतदान के दौरान मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। अटेर में मौजूद MLA और BJP नेता अरविंद सिंह भदौरिया कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमंत कटारे से मुकाबला कर रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर का एक चरण में मतदान भा, जोने में 77.15% जो है मतदान भा। वोटन की गिनती 3 दिसंबर को हुई। दरअसल जो है सहकारिता मंत्री एवं अटेर विधानसभा से BJP के उम्मीदवार अरविंद भदौरिया के द्वारा चुनाव आयोग मां आरोप लगावा गया रहा कि शिकायत के कीन गई रही और किस पूरा गांव के पोलिंग नंबर 71 बूथ पर धांधली भय और बूथ पर कब्जा कर लिया गया रहा। 17 नवंबर का भा या पोलिंग के दिन मतदान केंद्र मां 89% मतदान भरा रहा। मतदान केंद्र मां 1223 वोटर मां 1103 लोगों के द्वारा मतदान कीन गया रहा। अरविंद भदौरिया के द्वारा बूथ कब्जे से संबंधित वीडियो शिकायत के साथ जो है चुनाव आयोग का भेजा गया रहा। उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा दोबारा वोटिंग करने के निर्णय लेगा। पुनर्मतदान का लेके चुनाव आयोग के द्वारा अधिकारी एवं अटेर विधानसभा के सभी उम्मीदवारों का विधानसभा इलाका में प्रचार करे के आदेशों जारी कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर यह जो कहा जाए घटनाक्रम है यह बेहद बड़ा घटनाक्रम है। हम सबका सीख ले चाहिए, एक जिम्मेदार देश के नागरिक बने चाहिए, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मतदाता हो, चाहे आम नागरिक हो, सबका जो है एक जिम्मेदार नागरिक बने चाहिए। और मतदान जैसा एक स्वच्छ और निष्पक्ष प्रणाली में अपन बिल्कुल निष्पक्ष हो के और स्वच्छ हो के मतदान करे चाहिए। हालांकि जो ये तस्वीर है निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में छुटपुट घटना जरूर भई, लेकिन एक ये बड़ी तस्वीर सामने आई। अन्य जगह पर यदि बात की जाए तो कोनो ऐसा बड़ी घटना सामने नहीं आई। हालांकि एक पोलिंग या जहां पुनर्मतदान अब हो, ऐसे अपना पंचायत से निवेदन है कि जब मतदान करे जाए तो यह निश्चित तौर पर सोच के जाए कि हम अपने देश हित में या एक बड़ा काम करे जाए। अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।